हाय स्टूडेंट, केन्ता अछ पिले? आउ सब भल भल अछ? तो आज आम सेकंड सेम रो पढ़मु पिले, तमर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रो आज आम पढ़मु। इटा तुम पार्ट टू वीडियो, तो पार्ट टू वीडियो रे आम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़मु, बुझि पारल? तो जे जे जदि पिले प्लस टू रे पढ़ी छ, तो वीडियो के स्किप मारि दियो, जे पूरा पूरा पढ़ी छ बिले। आ जार पाखे नोट नै ना कि टिके बुझबा के जदि चाहूछ, देन तुम्हें वीडियो देख, यहाँ पूरा डायरेक्ट मुझे नोट्रु पढ़ी दूसरे पिले, बुझ पार्ल? जेहेतु तुम टे पढ़ी छो ना, तो टेटे कहीदेवी, बेसी डेप्थ ली नहीं ना तुम कोर्ट पेपर है, बेसी नहीं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोले काना पिले ना, इट इज डिफाइन एज द स्पेस अराउंड ए चार्ज विदिन ह्विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस ऑन एनी अदर चार्ज। तु काना कहे पिले ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हेसी केसी ना, गोटे स्पेस अराउंड गोटे चार्ज थी व्हिच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जेने कि तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस ऑन एनी अदर चार्जेस, तो एक्सपीरियंस हेसी तुम एनी अदर चार्जेस द्वारा, बुझी पार्ल? तो जेन जेन जगह कि तुम इलेक्ट्रिक चार्ज थी चार्ज थी और तुम जेन इलेक्ट्रिक फोर्स मान अदर चार्ज सां जो एक्सपीरियंस होगा, देन ताके कहूँ आम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोटामोटी भाव जो बुझा के चाहू बोले जेन जगार चार्ज अच्छे कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड सरला। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले काना पिले ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए गिवन चार्ज इज डिफाइन एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव व्हेन प्लेस एट दैट पॉइंट। तो इंटेंसिटी बोले काना ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे पॉइंट देखा जा ड्यू टू गिवन चार्ज इज डिफाइन एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव व्हेन प्लेस एट दैट पॉइंट। डायरेक्ट फॉर्मूला मन रख, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखब, बुझे पार्ल? देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्मूला हला पिले एफ बाय Q0 हला स्मॉल चार्ज पिले हला स्मॉल चार्ज है। आ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोटे फैक्टर क्वांटिटी है, तो फॉर्मूला एटा मन रख। इन आ गोटे फॉर्मूला मन रख ना, एफ इज इक्वल टू कौन हवा Q0, ये दुईटा फर्मूला मन रख। तो गोटे फर्मूला मन रख ली, फर्मूला ऑलरेडी एका तुम मन रखी पारि थी, बुझि पार्ल? देन यूनिट देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रो एसआई सिस्टम रे यूनिट काण हवा पिले ना, न्यूटन कूलम इनवर्स और वोल्ट बाय मीटर हवा, डायमेंशन हवा यहाँ, बुझि पार्ल? तो नोट लिखि दियो। एबे देखो आम कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करमु, बुझि पार्ल? तो यहाँ गोटे पॉइंट है पिले, बुझी पार्ल? तो फास्ट आम का करसुँ, यहाँ है 0, बुझी पार्ल? देन ये पॉइंट रे आम का करमु ना Q0 बसामु। तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कण हेसी पिले, पॉजिटिव चार्ज कण हेसी आउटसाइड जीएसी, तो यहाँ है तुम आउटसाइड फोर्स किन जीवा, तुम आउटसाइड एखा जीवा, तो फोर्स आउटसाइड गला। जदि यहाँ जो नेगेटिव होता बोले कण होता इनसाइड होता, तो ये कण आउटसाइड गला, बुझि पार्ल? आउ क्यू रु Q0 डिस्टेंस है आर। तो जेन पॉइंट रे आम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करमु से तुम Q0 बसीद, Q0 मान गए टेस्ट चार्ज छोटिया चार्ज, देन आम क्यू के देखनु, तो क्यू कण है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो ये पॉइंट रू कण हाँ आउटसाइड हाँ क्या जी पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड हेसी हाँ कि नहीं, तो यहाँ आउटसाइड है आर यून एत डिस्टेंस आर। तो यहाँ एखा लिखमु, लेट ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट ए पॉइंट ओ, लेट पी इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए चार्ज क्यू। सपोज वी हैव टू ए कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो आम गोटे पॉइंट पी रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करमु, तो से आम कौन चार्ज क्यू गोटे बसेदेमु, प्लेस ए टेस्ट चार्ज Q0 एट ए पॉइंट पी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज Q0 एट ए पॉइंट पी इज गिवन बाय। तो कूलम्स लॉ पकामु, कूलम्स लॉ कौन कौचे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इनटू दुईटा चार्ज अच्छे, गोटे है क्यू आ गोटे है Q0, सो क्यू इंटू Q0 बाय डिस्टेंस किस आर, तो आर स्क्वायर इटा है इक्वेशन 1 देनु, आराम से बुझी पार। नेक्स्ट जेहे तुम इटा प्लस टू पढ़ी छ, तो टिके कहीदे बेसी नहीं कहबार है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, तो आम जानु यू इंटेनसीटर फर्मुला क्या जानू इक्वाल टू एफ बाय Q0, तो एफ रहा कूलम सल जानू एफ रर्मुला पकईदेम 1/4πε इंटू Q0 बाय आर स्क्वेयर, बुझी पार्ल? डिवाइड बाय Q0 के Q0 अच्छे, तो यहाँ यहाँ कैनसल ना Q0 कटिगला, तो इक्वाल टू कौन है पिले ना 1/4πε इंटू Q बाय आर स्क्वेयर, बुझी पार्ल हाँ कि नहीं? तो यहाँ गोटे भी फर्मुला, यहाँ गोटे भी फर्मुला, बुझीगला? तो जिते तुमके गोटे चार्ज दी थी गोटे
चार्ज दीथिबा और डिस्टेंस दीथिबा देन तुम के काना बाहर करबो ना इंटेंसिटी आराम से बाहर करि पारबो। आ ये फार्मूला केते बेले बाहर करबो ना जेते बेले तुम के फोर्स जणा थिबा आ तुमर चार्ज जणा थिबा सेते बेले ई फार्मूला पुट करबो बुझि पालो। जदि भी फोर्स बाहर करबो केन फार्मूला रु ई फार्मूला रु बाहर करबो फोर्स कूलम्स लॉ रु बाहर करबो तापर एफ पकाबो एफ बाय क्यू जीरो ती दुटा फार्मूला इंपोर्टेंट बुझि हला। देन एबे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखमु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आम पढ़ इलेक्ट्रिक फील्ड एबे पढ़ू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो यहाँ गोटे कहना पिले ना एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ए डिफाइन एज द पाथ स्ट्रेट और कर्व एलोंग व्हिच इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोले कहना ना यहाँ गोटे स्ट्रेट और गोटे कर्व भी हो पारे जेने कि तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स व्हेन जेन आड़े फ्री टू डू सो इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड जेन आड़े फ्री थी सियाड़े मूव करवा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो जेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अच्छे से एका कण करुचे आमके ना फोर्स रो डायरेक्शन बतोचे बुझि पारलो एटा गोटे इंपोर्टेंट है। एंड टैंजेंट एट एनी पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। तो जेते बेले आमे टैंजेंट करमु गुटे पॉइंट रे गुटे टैंजेंट करमु बुझि पारलो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स काना दबा आमके ना इलेक्ट्रिक डायरेक्शन देवा कहा डायरेक्शन देवा इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन देवा से पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन देवा बुझि पारलो कि। तो गुटे जदि आमे टैंजेंट करनु इटा टैंजेंट माने का स्पर्शक तो से आमके कहा डायरेक्शन देवा ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट रो डायरेक्शन देवा ना इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन देवा। और जेन पॉजिटिव चार्ज अछे जेन मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अछे से कहा डायरेक्शन देवा से फोर्स रो खाली डायरेक्शन देवा बुझि पारलो। तो पॉजिटिव चार्ज देवा डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउ तुम गोटे टैंजेंट कनु सो जेन टैंजेंट रो जेन पॉइंट अछे से कहा डायरेक्शन देवा ना इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन देवा बुझि पारलो। एबे तार प्रॉपर्टी मने पढ़मु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रो प्रॉपर्टी मने बुझि पारलो। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टेड टू वार्ड ए नेगेटिव चार्ज प्लेस इन स्पेस। तो पॉजिटिव चार्ज जदि थिबा बोले अवे हेबा ना बाहर के जीवा एंती 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 बाहर के जीवा आउ जदि नेगेटिव चार्ज मने हेले कण हबा टू वार्ड्स हबा बुझावा बुझाला। तो ये बाहर के जीवा ये तुमर भीतर के आसवा हाँ कि नहीं जदि पॉजिटिव चार्ज थिबा बोले बाहर के जीवा आउ जदि नेगेटिव चार्ज थिबा बोले भीतर के आसवा एटा ला तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मने देखमा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो स्टार्ट हवा तुम पॉजिटिव चार्ज आओ एंड हवा तुम नेगेटिव चार्ज इन अदर वर्ड्स लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल एंड एंड एट ए लोअर पोटेंशियल भी कही पार्मू बुझेगा। देन द टैंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट सीटा कहला यहाँ बुझे दीछे। देन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस इच अदर तो केवे भी दुईटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस नहीं करो यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है मन रख। तो दुईटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केवे भी क्रॉस नहीं करन इच अदर दुई जन केवे भी क्रॉस नहीं हियन छेद नहीं हियन। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टेंड टू कंट्रैक्ट लेंथ वाइज द टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी द्वारा कंट्रैक्ट लेंथ वाइज प्रॉपर्टी द्वारा कण हेसी ना तुम जेन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर करवा बुझि पारल हाँ कि नहीं देख ये कण हो आउटसाइड होटा कण इनवर्ड हो बुझी पार्ल कि तेन दुईटा कण हो दुईटा अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट हो बुझेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टेन्स टू एक्जर्ट लैटरल प्रेशर दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस आ दुईटा जदि लाइक चार्जेस थे कण हाँ रिपल्सन हवा बुझेगा जेहतु तुम लैटरल एक्जर्ट लैटरल प्रेशर अच्छे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्जर्ट लैटरल प्रेशर अच्छे प्रेशर थिबा जो कण हेसी ना टू लाइक चार्जेस रिपल्सन कर देसन। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर तो केबे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केबे गोटे कंडक्टर द्वारा पास नहीं करे इटा बहुत 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 इंपोर्टेंट मने रख पूरा दिस एक्सप्लेन्स अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड द कंडक्टर तो तुम पास नहीं करे बुझी पार्ल कि इनसाइड द कंडक्टर रे से कण ही पार्बा करी पार्बा। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर केबे भी पास करी नहीं पारे दे देखबो जेते बेले भी बिजली मारबा बिजली गोटे कण इलेक्ट्रिक भलियाटा हाँ कि नहीं तो जिते बेले भी तुम जब गाड़ी भितर थी बोले तुमके कण बिजली नहीं मारे
କେଁ ଯେ କି ଡୁ ନଟ୍ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ଦେଇ କରି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କାର୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ହେନା ତ ପାସ୍ କରିନିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ୍ ପାଖେ ଥିବ ବିଲେ ଝାଟାକ୍ ସେ ମାରିଦେବା କେଁ ଯେ କି ପାସ୍ କରିପାରିବା ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ନିଶି ବୁଝିପାରିଲ ହେଥିର କାଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଡୁ ନଟ୍ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ବୁଝିଗଲା ତ ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ପିଲେ ହେଲା ନୋଟ୍ ଦେଖିଦେବି ତ ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ସୋର୍ ରଖୁଛ ବୋଲେ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ତିନି ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ ରେଖା ରଖ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଆର୍ କ୍ଲୋଜର୍ ହୁଏର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତ କ୍ଲୋଜର୍ କେତେବେଳେ ହେବା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ବୁଝିହେଲା ଆଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ଦର୍ ଆପାର୍ଟ ହୁଏର୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଇଜ୍ ୱିକ୍ ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ୱିକ୍ ହେବା ସେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ସଟା କ'ଣ ହେବା ଆପାର୍ଟ ହେବା ମାନେ ଅଲଗା ହେବା ହେଲା ନାଇଁ ଏବେ ପଢ଼ମୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋର୍ଥ ଡାଇଗ୍ରାମ ତୁମ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ପଢ଼ମୁ ତ ଦେଖ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆ ଆର୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖ ଯେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ କାଣା ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତ ହେ ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ୍ କଲା ଏବେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ସେ ଯଦି ଡିକ୍ରିଜ୍ କଲା ଏବେ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ୟୁନିଫର୍ମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବୋଲେ କାଣା ପିଲେ ନା ଏ ୟୁନିଫର୍ମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍ ଦ ସେମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ସେମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଥିବା ତାକେ କହୁ ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବୁଝିଗଲା ହଁ କି ନାଇଁ ଏବେ ଯେନ୍ତା ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଲି ମାରୁଛୁ ତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଥିବା ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନାଇଁ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବୋଲେ କାଣା ବିଲ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସେମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆଟ୍ ଦ ଅଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ତ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ କାଣା ସମାନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଯଦି ନେଇ ଥିବା ତାହେଲେ କହୁ ଆମେ ନନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏବେ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ମେ ବି ଡିଫାଇନ୍ ଆଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ କ୍ରସିଂ ଏ ଗିଭେନ୍ ଏରିଆ ହୁଏର୍ ଏରିଆ ଇଜ୍ ହେଲ୍ ଏ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର୍ ଟୁ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫୋର୍ସକେ ଆମେ କେନ୍ତା ଡିଫାଇନ୍ କରିପାର୍ମା ପିଲେ ନା ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଦ୍ୱାରା କ୍ରସିଂ କରିବା ସେ ଏରିଆ କେନ୍ତା ହେଇଥିବା ଯେତେବେଳେ ଏରିଆ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର୍ ଟୁ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ମୁଲା ବୁଝିଗଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଫର୍ମୁଲା ତ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ ଇ ଡି ଏସ୍ ଫାଇ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ଇ ଡି ଏସ୍ ବୁଝିହେଲା ଥିଟା ଯଦି 90 ଯଦି କମ୍ ହେବା ମାନେ କାଣା ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ହେବା ଆଉ ଯଦି ବଢ଼ହେବା ଦେନ୍ ଇନୱାର୍ଡ଼ ହେବା ଆଉ ଯଦି 90 ହେଇଗଲା ବେଲେ ଜିରୋ ହେଇଯିବା ତୁମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ କାଣା ହେଇଯିବା ଜିରୋ ହେଇଯିବା ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ପାସ୍ ଥ୍ରୋ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଆଉ ତୁମ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଫ୍ଲକ୍ସ ବାହାର କରମୁ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍ଫେସ୍ କାଜି ଏକା ବାହାର କରମୁ ଭଲସେ ଶୁଣ ଆର୍ ଥରେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଫ୍ଲକ୍ସ ବାହାର କରମୁ ତୁମ ସର୍ଫେସ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରମୁ ଯଦି ବି କ୍ଲୋଜ୍ ନି ନା ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରମୁ ହେଲା ହ୍ୱେନ୍ ଡି ଏସ୍ ଇଜ୍ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର୍ ଟୁ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇ ଦେଖ ବୋଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ବୋଲେ କେନ୍ତା ଦେଖ୍ବ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିଥିବ ତୁମର ଏନ୍ତା ଗୋଲ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଧରିଥିସନ୍ ହଁ କି ନାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ନେଇ ଧରିଥିସନ୍ ସେନେ ତୀର ମାରିଲେ ବି ସେ ଗୋଲ୍ ଜାଗାରେ ରହିଯାଏ ଏନ୍ତା ପୁରା ଧରିଥିସନ୍ ଯେ ସୈନିକମାନେ ବାହୁବଲିରେ ଦେଖିଥିବ ତ ସେଇଟା ଟାଇପ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ଲିକ୍ସ ମାନେ ପୁରା କାଣା ତୀରଟା ପୁରା ଛେଦ କରି କରିଯିବା ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ ଛେଦ କରି ଯିବା ସେଇଟା ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସର ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖ ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଆଉ ଫର୍ମୁଲା କିଛି ନାଇଁ ନା ତ ପିଲେ ଚାଲ ନୋଟ୍ ଦେଖିଦେବେ ନା ବୁଝିବା ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି ପିଲେ ଯଦି ବୁଝିନି ପାରବା ବେଲେ କମେଣ୍ଟ କର ସାର୍ ବୁଝିନି ହେବାର ବୋଲିକରି ଯେହେତୁ ବେଶୀ ନାଇଁ ବୁଝାବାର କେଁ ଯେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଛ ନା ତ ଯାହାର ଯଦି ନୋଟ୍ ଯଦି ହଜି ହୁଜା ଯାଇଛେ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେବା ତୁମ ନୋଟ୍ ଲେଖିପାରବ ବୋଲିକରି ହେଲା ଆଉ ଯିଏ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲିଗଲ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଦେନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ୟାଦ୍ ଆସିଯିବା ବେଶୀ କନସେପ୍ଟଲି ଆମେ ନାଇଁ ବୁଝିବାର କେଁ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିଛ ନା ହେଲା ତ ଦେଖ ଲେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କର ଆଉ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା ଏବେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା
हला लेख आउ इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना कहीदेवी जदि चैप्टर सर लगेगा ना क्वेश्चन कण कण पढ़वा बिल तुम गसल पढ़वा अच्छा बुझल तुटा जेहतु टे थोरी टाइप रे तो डायरेक्ट मुझे नोट पढ़े दे जिते बिल्कुल तुमको गसल मैंने बुझा भी कण रफली आगे बुझेदेवी इन गोटे सर्ट खाता गोटे करवा पे आउ फर्मुला मैंने लिखीद सुविधा हाँ जेहतु तुम सेकंड इयर तो पढ़ी ना खाली फर्मुला टिके टिके याद कर करदे बोले हो बुझिपार लगे हला तो नोट लेख पीले और बार बार बारंबार प्राक्ट कर सब खुश रुह बिंदास रुह जे जगन्नाथ।